घर में खाली बैठे बैठे YouTube पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक ये वाला शॉर्ट दिखा। तभी डिसाइड कर लिया कि एक फ्लाइट बुक करेंगे और एयरप्लेन के वॉशरूम में जाके इसे रिपीट करके देखेंगे क्या ये सच है या झूठ है और इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। चलिए, अब फ्लाइट पकड़ने से पहले एक बार ही बेसिक तरीके से साइंस को समझ लेते हैं कि जो एयरप्लेन के वॉशरूम्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। हम सब इतना तो जानते हैं कि हमारे घर के वॉशरूम कैसे काम करते हैं। एक फ्लश टैंक होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है। जब हम फ्लश के टैंक को ऑन करते हैं वो सारा का सारा पानी बह के आता है हमारे टॉयलेट सीट पे, और जो भी हम लोग वॉशरूम में करते हैं वो सब पानी के साथ बह के अंदर सीवेज सिस्टम में चला जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा पानी लगता है। अब आप सबको इतना तो पता होगा कि प्लेन में इतना सारा पानी अगर लेके जाएंगे तो कितना वजन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और कितना एयरलाइंस को लॉस होने वाला है। सबको पता है एक एक किलो का वो आपसे पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं अगर आपके लगेज में ज्यादा हो तो। एयर होस्टेस पतली से पतली ली जाती हैं, उसके पीछे का भी रीजन यही है, जितना कम वजन होगा जो एयरलाइन है उतना प्रॉफिटेबल रहेगी, उतना कम फ्यूल खर्च होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए एयरलाइंस वाले पानी का इस्तेमाल फ्लश में नहीं करते हैं। कुछ प्लेन्स अभी भी ऐसे हैं, जो छोटे प्लेन्स होते हैं उनमें अभी भी पानी के साथ फ्लश इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉशरूम के अंदर ना के बराबर पानी इस्तेमाल होता है। अब अगर आपने कभी प्लेन में ट्रेवल नहीं किया है या किया है, दोनों ही केसेस में ये वीडियो बहुत काम की आपकी हो सकती है। इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। अब कुछ ऐसा बहुत छोटा सा वॉशरूम होता है प्लेन्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्लेन। नॉर्मल जो इकोनॉमी क्लास के वॉशरूम्स होते हैं या नॉर्मल एयरलाइंस के वॉशरूम की बात करो तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सिर्फ खड़े हुआ बैठने का ही जो है वो जगह वहां पे अवेलेबल होती है। जनरली प्लेन के अंदर आपको दो वॉशरूम मिलेंगे। अभी हम लोग समझेंगे इसको एक वॉशरूम से। जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो वॉशरूम के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और जब प्लेन लैंडेड होता है, जमीन पे होता है, तब उसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आप सब जानते हैं कि प्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और प्लेन के आसपास बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, और यही रीजन है कि प्लेन के अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि आप अंदर कंफर्टेबल रहे। कभी कभार इसमें कान में दर्द भी होता है। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी कि कैसे जो चिप्स के पैकेट हैं वो प्लेन में ऊपर जाने के बाद फूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस थोड़ा बहुत तो आता है। बट स्टिल प्लेन के अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है, लेकिन प्लेन के आसपास प्रेशर जो है वो लो रहता है, ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है। अब आप सबको इतना तो पता होगा कि चीजें ट्रेवल करती हैं या फोर्स अप्लाई होती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर साइड। अब अगर इस वॉशरूम में क्योंकि प्लेन के अंदर के प्रेशर को ज्यादा रखा हुआ है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, और यहाँ पे अगर मैं एक टनल सिस्टम बना दूँ, ये बॉक्स इतना नीचे तो नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है प्लेन के अंदर ही होता है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे मानो ये एक जगह जहाँ पे सारा कूड़ा गंदगी इकट्ठी होगी। कैसे होगी मैं आपको भी समझाता हूँ। और ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लेन के लगभग समझ लो बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहता है। प्लेन के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। अब जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हो और फ्लश का बटन दबाते हो तो यहाँ से जो फ्लश के ऊपर की ओपनिंग लगी होती है वो खुल जाती है। अब खुलने पे यहाँ की सारी हवा, यानी कि कैबिन की सारी हवा कह लीजिए या कह लीजिए वॉशरूम की सारी हवा बाहर से अंदर जाना चाहेगी, और यहाँ से जाके यहाँ से बाहर जाना चाहेगी, एक प्रकार से ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आपने वॉशरूम में जाके कुछ किया है, क्या करते हैं आप सबको पता है, और वो भी उसके अंदर गिरा हुआ है, तो जब ये सारा सामान हवा के साथ जाएगा तो क्योंकि उस चीज़ के पास वजन है तो वो नीचे गिर जाएगा। मैं यहाँ पे फीसेस की बात कर रहा हूँ, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, यूरिन की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ गिर जाएगा और सारी हवा जो है वो यहाँ चली जाएगी। तो ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक्चुअली चीज़ें यहाँ पे जाती हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे घर में जो वाटर वाले फ्लश होते हैं वो पानी के माध्यम से चीज़ों को नीचे लेके जाते हैं, तो आसपास जितने भी बैड स्मेल होती है उसके पार्टिकल्स हवा में रहते हैं, बट क्योंकि ये वैक्यूम की तरह काम करता है, ये अपने अंदर चीज़ें खींचता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि वॉशरूम के अंदर आपको स्मेल भी नहीं आती है, वैक्यूम की वजह से सारे पार्टिकल्स को भी अपने तरफ खींचता है। और शायद यही रीज़न होने वाला है कि जो वीडियो में हमने भी टिश्यू पेपर देखा, ये भी खींच के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ऊंचाई पे तो प्लेन ऐसे काम कर रहा है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्लेन लैंडेड होता है, ज़मीन पे होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर नहीं क्रिएट होता, तो फिर काम कैसे होता है? उस केस में यहाँ पे एक वैक्यूम जनरेटर लगा होता है।
यानी कि आप इस वैक्यूम जनरेटर को एक प्रकार से अपने घर के वैक्यूम क्लीनर जैसा समझ सकते हो जो कि बिजली पे चलता है। इसका मतलब अगर प्लेन लैंडेड है ज़मीन पे और तब आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो ये वैक्यूम जनरेटर वहाँ पे काम करेगा। आप यहाँ से फ्लश ऑन करोगे तो वो फेक प्रेशर जनरेट करेगा जैसे कि वैक्यूम पंप वैक्यूम जनरेटर करते हैं। तो यानी ऊंचाई पे ये काम आसपास का प्रेशर डिफरेंस कर लेता है तो ये जनरेटर का कोई काम नहीं होता, ऑफ रहता है या एज सच ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन लैंडेड केस में इधर का तो प्रेशर लो नहीं होगा तो ये सारा जनरेटर लो प्रेशर क्रिएट करके ये सारा काम करेगा, मतलब बिजली लगेगी। लेकिन दोनों केसेस में काम ऐसा होता है और ये बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है कि ये सारा गंद ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है जैसे ट्रेन में होता है। ट्रेन में आपको पता होगा सब पटरी में गिर जाता है, बट प्लेन में ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं होता है। आओ अब चलते हैं फ्लाइट में और चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने वायरल वीडियो देखी क्या ये एक्चुअली वहां पे होता है कि नहीं। आओ चेक करते हैं। पब्लिक में मुझे वीडियो में बोलना थोड़ा सा ऑड लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर डाल दूंगा। मैंने अपनी फ्लाइट बुक कर ली थी, कैब मुझे लेने आ चुकी है। इस वीडियो के लिए मैं अकेले जा रहा हूँ राजस्थान एक्चुअली, तो मैं राजस्थान जाते जाते अपने दूसरे काम में निपटा लूंगा, लेकिन मेनली मुझे ये वीडियो ट्राई करनी जरूरी थी। तो यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, मेरी फ्लाइट भी बहुत ज्यादा लेट हो गई थी तो मुझे उसके लिए भाग के जाना पड़ा। और वहां जाके मुझे पता लगता है कि ये जो प्लेन मुझे मिला है ये एक्चुअली में छोटे वाला प्लेन है जिसके वॉशरूम ही दूसरे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा मोए मोए हो जाता है। तो वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, अब मैं वापसी की फ्लाइट में चढ़ चुका हूँ, अब बारी है एक्सपेरिमेंट को वीडियो को ट्राई करने की। तो ये मैंने टिश्यू पेपर यहाँ पे फाड़ा और सबसे पहले इस टिश्यू पेपर को मैंने नीचे रखा। जब मैंने फ्लश ऑन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत हल्का हल्का, लेकिन ये पेपर हिल रहा है। आपको पेपर में हल्का हल्का यहाँ पे मूवमेंट दिखा होगा, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ जैसा कि हमें वीडियो में देखने को मिला था। अगर मैं इसी पेपर को फ्लश के ऊपर रखे, क्योंकि अगर नीचे रखा हुआ पेपर हिल सकता है, तो अगर मैं फ्लश के पेपर को ऊपर रख के टॉयलेट सीट पे फ्लश को ऑन करता हूँ तो क्या ये पेपर अंदर जाएगा? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। आई होप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो इसमें, लेकिन पहली बार में तो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी बार में सक्सेसफुल रहा। मैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे वाले केस में टिश्यू पेपर नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। तो हर एक कंट्री में हर एक जगह पे प्लेन की ऊंचाई अलग होती है, प्रेशर डिफरेंस अलग होता है, पावर जो है प्रेशर की वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हमारे वाले केस में टिश्यू पेपर नीचे से ऊपर नहीं गया। अब अगर आप कभी किसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो और किसी और देश में जा रहे हो, इंटरनेशनल फ्लाइट पे हो या डोमेस्टिक फ्लाइट में भी हो, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर पेपर नीचे से ऊपर जाता है तो इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा, हम लोग शेयर करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ और वीडियोस लगा के दे रहा हूँ जहाँ पे लोगों ने पूरा का पूरा टिश्यू पेपर का रोल अंदर डाल के वीडियो बनाई थी। ऑब्वियस से बात है वो तो मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन वॉशरूम खराब ना हो जाए। अब इस प्रकार के फ्लश पे मेरा आपसे एक सवाल भी है, अगर इस पे बैठे बैठे हम फ्लश करेंगे तो क्या ये हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स भी खींच लेगा? तो आंसर है नहीं, ये इतना स्ट्रांग तो नहीं है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, आप कुछ नया सीख के गए हो एक नए तरीके से। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।